हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साइमा एंड यू आर वाचिंग साइंस ट्यूटोरियल टेक योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। सो फ्रेंड्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की पढ़ी थी। हमने देखा कि मेटल हमारे पास कैसे होते हैं, वो हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं, वो लस्ट्रस होते हैं, और भी बहुत डक्टिलिटी, उनकी मैलेबिलिटी, इन सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि ये रिएक्टिविटी क्या होती है। ये रिएक्टिविटी होती क्या है? आर वी कैन से दैट रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या होती है? क्या होता है कि जो कुछ मेटल्स होते हैं हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे हमारे पास सोडियम और पोटेशियम हो गया, और कुछ मेटल ऐसे होते हैं वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव, लाइक जिंक एंड आयरन। और कुछ मेटल हमारे पास ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, जैसे हमारे पास हो गया कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। अब इन सभी मेटल्स को इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी अरेंज किया गया एक कॉलम में। जो सबसे रिएक्टिव मेटल था, लाइक सोडियम एंड पोटाशियम, उसको फर्स्ट नंबर पर रखा गया, देन सोडियम, एंड सो ऑन, ऐसे अरेंज किया गया, और लास्ट पे रखा गया इन मेटल्स को जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। तो इसी अरेंजमेंट ऑफ मेटल को क्या कहा गया? दिस अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन अ कॉलम इन द कौन से ऑर्डर में? डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में, इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इसको कहा गया रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। यह हम देखते हैं। ये हमारे पास मेटल्स और इनका ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर? डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये दिया गया। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो आ गया पोटाशियम, देन सोडियम। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती जाती है? डिक्रीज। क्या होती जाती है? डिक्रीज। ठीक है, पोटाशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, एंड यहाँ पर रखा गया हाइड्रोजन को। यहाँ हाइड्रोजन को क्यों रखा गया, मैं आपको बताती हूँ बाद में, पहले हम ये देख लेते हैं। ये हमारे पास रिएक्टिव मैटर होते हैं, एंड ये हमारे पास आगे ऊपर रिएक्टिव मैटर, देन लेस रिएक्टिव मैटर, इनकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज होती रहती है, जैसे हम नीचे आ रहे हैं। और ये जो है हमारे पास, ये बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, ये इवन के रिएक्ट करते भी नहीं हैं। अब क्या होता है, कुछ मेटल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और कुछ मेटल हमने कहा कि लेस रिएक्टिव, जैसे ये हमारे पास आगे तीन चार पाँच पहले, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जैसे नीचे वाले होते हैं ये कम रिएक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं कि जो हमारे पास मेटल होते हैं वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, सपोज दिस इज सोडियम मेटल Na, इसके आउटर में मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है, इट लूजेज इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन और स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन। दस इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? Na पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और इनके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसे मेटल हम क्या कहेंगे कि ऐसे मेटल विच रेडली लूज इलेक्ट्रॉन, जो बहुत ही जल्दी बहुत ही इजली इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, हम कहते हैं कि वो क्या है? वो हमारे पास जो बहुत ही इजली इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे वो मोर रिएक्टिव है, वो क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव। लाइक हमारे पास सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, क्या करते हैं? रिएक्ट रैपिडली विद अदर सब्सटेंसेस के साथ, बहुत ही जल्दी क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं या फिर बॉन्ड बनाते हैं, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगी वो हम कहेंगे वो क्या बनती है? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनती है। अब कुछ मेटल होते हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं? इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, ठीक है, जैसे हमारे पास आयरन हो गया, टिन हो गया, जिंक हो गया, तो जो हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास क्या है? लेस रिएक्टिव, यानी कि दोज मेटल्स विच डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजली आर रेडली आर सेट टू बी लेस रिएक्टिव मेटल। दस आपको पता चल गया होगा कि मोर रिएक्टिव मेटल आर लेस रिएक्टिव मेटल क्या होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इजली से लूज करते हैं और दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, हम उनको कहते हैं मोर रिएक्टिव मेटल। और जो हमारे पास मेटल होते हैं, यानी कि ऐसे मेटल जो इलेक्ट्रॉन इतनी इजीली से आसानी से लूज नहीं करते और दूसरे सब्सटेंस के साथ रेडली रिएक्ट नहीं करते, वो हमारे पास क्यों कौन से होते हैं? लेस रिएक्टिव मेटल।
ये चीज़ क्लियर होगी, मोर रिएक्टिव मैटर एंड लेस रिएक्टिव मैटर। अब नेक्स्ट थिंग जो है वो है कि यहाँ पर मेटल्स को सेपरेट किया गया हाइड्रोजन से, कुछ हमारे पास एलिमेंट सॉरी मेटल है हाइड्रोजन के ऊपर और कुछ है हाइड्रोजन से नीचे। अब यहाँ पर कहा गया दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब ऐसा क्यों होता है? मेटल विच लूज इलेक्ट्रॉन मोर रेडली देन हाइड्रोजन, हम कहेंगे कि वो क्या है, हाइड्रोजन से रिएक्टिव है। दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो मेटल होते हैं दे लूज इलेक्ट्रॉन्स मोर रैपिडली आर रेडली देन हाइड्रोजन। और ऐसे मेटल्स को हम क्या कहेंगे कि दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और जो हाइड्रोजन से नीचे जिनको रखा गया है, ये वाले हमारे पास आ गए मेटल्स, ये क्या करते हैं, दीज मेटल लूज इलेक्ट्रॉन लेस रेडली देन हाइड्रोजन। हम इनको कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास, लेस रिएक्टिव। हम इनको कैसे बताएंगे, इन अदर वर्ड्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि हमारे पास मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन कौन से होते हैं, ऐसे मेटल दोज मेटल विच लूज इलेक्ट्रॉन मोर रेडली देन हाइड्रोजन आर सेड टू बी रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। एंड मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन कौन से होते हैं, दोज ऐसे मेटल विच लूज इलेक्ट्रॉन लेस रेडली देन हाइड्रोजन। ठीक है, इनको हम कहते हैं लेस, कि ये जो मेटल है ये हमारे पास लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन से। ये थी हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज की बात। अभी जो सारी केमिकल रिएक्शन है ये किस पर डिपेंड है, रिएक्टिविटी पर। जो फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जब हमारे पास मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ मिल रहा है, ऑक्सीजन के साथ, इसने हमारे पास कौन सा ऑक्साइड बनाया, सोडियम ऑक्साइड Na2O2। अब ये जो मेटल्स होते हैं हमारे पास ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी, बिकॉज दे आर रेडी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन, यानी कि ये आपके पास कौन सा चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। अब अगर हम बात की जाए रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था कि सबसे टॉप पर थे पोटाशियम के से एंड देन सोडियम। अब ये पोटाशियम और सोडियम इतने रिएक्टिव होते हैं, ये देखो कौन से, सोडियम एंड पोटाशियम, ऐसे था रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे पास Na सोडियम के से आ गया पोटाशियम। ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि इनको क्या किया जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। हम इसको किस में प्रिजर्व करके रखते हैं, सोडियम और पोटाशियम को, कैरोसिन आयल में, किस में प्रिजर्व करते हैं, कैरोसिन आयल में। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे रिएक्ट विगरसली विद द ऑक्सीजन ऑफ द एयर, और अगर हम इनको ऐसे खुला रखेंगे तो ये क्या करते हैं, इनमें आग भी लग जाती है, दे कैच इज फायर इफ कैप्ट ओपन। तो दस हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन थी कि जो हमारे पास मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स। अब अगर हम नेचर की बात करें मेटल ऑक्साइड के नेचर की, कि जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स होते हैं इनका जो नेचर होता है वो होता है कौन सा, बेसिक, दे आर बेसिक इन नेचर। बट कुछ मेटल ऑक्साइड हमारे पास ऐसे होते हैं विच शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। अब ऐसे मेटल जो ये दोनों करेक्टर शो करते हैं, दोनों नेचर शो करते हैं, यानी कि एसिडिक एज वेल एज बेसिक, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, कि ऐसे मेटल ऑक्साइड विच शोज बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर, हम उनको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, यानी इनका नेचर बोथ होता है, एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। हमारे पास इसमें बेस्ट नॉन एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड की, जो जिंक ऑक्साइड यह है वो हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये रिएक्ट करता है बोथ एसिड एज वेल एज बेस के साथ। हम इसकी रिएक्शन देखते हैं, पहले देखते हैं हम इसकी रिएक्शन एसिड के साथ, विद एसिड, जिंक ऑक्साइड की बात हो रही थी, यह हमारे पास जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और ये हमारे पास बनाएगा जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। बेस के साथ जिंक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, बेस हमारे पास यहाँ पर कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH, तो ये बनाएगा हमारे पास सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस वाटर।
दस हमारे पास कुछ मैटर ऐसे होते हैं विच शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर, और उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक, क्या कहते हैं हम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसमें हमारे पास एग्जांपल हमने देखी है जिंक। जो सेकंड रिएक्शन है हमारे पास वो किसकी है, रिएक्शन ऑफ मेटल किसके साथ, वाटर के साथ। फर्स्ट थी हमारी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ ही मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाया था। अब जो सेकंड है हमारे पास वाटर, वाटर के साथ जब ये मिलते हैं मेटल तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन जो सेकंड रिएक्शन थी हमारे पास कि मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और क्या बनाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पर मेटल वाटर, क्या बनाया इसे, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2 गैस निकलती है। जो एग्जांपल है हमारे पास फर्स्ट वो क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम इज द मेटल, ये रिएक्ट किया मिला वाटर के साथ और इसने हमारे पास कौन सा हाइड्रो ऑक्साइड बनाया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ में हमारे पास क्या निकलती है, H2 गैस हाइड्रोजन गैस। सेकंड एग्जांपल है सोडियम की, N आ गया हमारे पास सोडियम, जब सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो हमारे पास बन गया कौन सा हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, NaOH हमारे पास है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन निकल रहा है, कौन सी गैस निकल रही है, H2, और साथ में हीट निकल रही है। और ऐसी रिएक्शन जिनमें हमारे पास हीट इवॉल्व होती है हम उनको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास, अब यहाँ पर बात की गई है लेस रिएक्टिव मेटल की, लेस रिएक्टिव मेटल जैसे हमारे पास हो गए लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं। लेकिन एक तरीका है वो हम बाद में पढ़ेंगे, साथ आज ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड के साथ, किसके साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड के साथ। जब हमारे पास मेटल एसिड के साथ मिलता है तो ये क्या बनाता है, मेटल साल्ट। अब यहाँ पर भी कहा गया कि जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो इवन डाइल्यूट एसिड के साथ भी कोई भी रिएक्शन कर नहीं करते, डाइल्यूट एसिड क्या, वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल है डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल की, आयरन इज अ मेटल, आयरन प्लस HCl, यहाँ पर कौन सा एसिड लिया गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हमारे पास इसने बनाया साल्ट, कौन सा साल्ट बना, आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। द मेटल लाइक कॉपर एंड सिल्वर विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। अभी हमने पढ़ा था कि कुछ हमारे पास जो मेटल होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं देन हाइड्रोजन से और कुछ लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब उन मेटल की बात की गई है विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन कौन कौन से हमारे पास थे, कॉपर गोल्ड सिल्वर एक्स्ट्रा, ये जो नीचे थे ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते, यानी कि ये रिएक्ट ही नहीं करते डाइल्यूट एसिड के साथ। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन द एसिड। जो H पॉजिटिव आयन एसिड में प्रेजेंट होते हैं उनकी रिडक्शन के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते, इसलिए ये क्या करते हैं, एसिड्स के डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, जो मेटल क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलके सल्फेट बनाते हैं, मेटल विल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म मेटल सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हमारे पास सोडियम मेटल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसने हमारे पास क्या बनाया, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब नेक्स्ट थिंग है एक्वारीजिया, ये एक्वारीजिया होता क्या और इसकी यहाँ पर ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं शो करते, लेस रिएक्टिव मेटल,
वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, ना ही वाटर के साथ करें ना हाइड्रोजन के साथ। अभी भी हम और भी रिएक्शंस पढ़ेंगे, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, इवन के स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 जिसको किंग ऑफ एसिड कहा जाता है उसके साथ भी रिएक्ट नहीं करते। तो ये एक्वारीजिया उन कंपाउंड के लिए बनाया गया, उन मेटल्स के लिए बनाया गया, कंपाउंड के लिए सॉरी मेटल्स के लिए जो रिएक्ट नहीं करते। ये एक्वारीजा होता क्या है पहले हम पढ़ते हैं, देन हम करते हैं इसकी रिएक्शन। एक्वारीजा एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होती है। वो किसकी मिक्सचर होती है? 1:3 पार्ट होता है, वो होता है एक HCl प्लस, और किसका तीसरा जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है किसका? नाइट्रिक एसिड का, दैट इज HNO3। ठीक है, 1:3 रेशो में लिया जाता है, एक पार्ट लिया जाता है HCl का एंड 3 पार्ट लिया जाता है नाइट्रिक एसिड का। ये लिखा हुआ है एक्वारीजा इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होती है, 1 पार्ट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट जो होता है वो किसका होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी के HCl का, नाइट्रिक एसिड यानी के HNO3 का, और इनको मिला के एक्वारीजा बनाया जाता है। और इसमें हमारे पास रेशियो क्या है, मैंने बता दिया 1:3 दिया जाता है। अब ये एक्वारीजा एक्चुअल में करता क्या है, कौन सा मैजिक इसके पास होता है कि इवन जो लेस एक्टिव मेटल हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनियम कॉपर ये सब इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। अब देखो ये करता क्या है, एक्वारीजा कैन डिसॉल्व ऑल द मेटल इवन द लेस एक्टिव मेटल लाइक प्लैटिनियम सिल्वर गोल्ड कहता है, ये तो सबको डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर। अब होता क्या है, ये फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास एक्वारीजा HCl एंड HNO3, यही दो मिले थे ना उसमें एसिड्स, एक HCl एक नाइट्रिक एसिड, 1:3 रेशो में लिए। तो ये हमारे पास तीन प्रोडक्ट बनाते हैं, फर्स्ट बनाएंगे वाटर, सेकंड बनाएंगे COCl दैट इज नाइट्रोसिल क्लोराइड एंड थर्ड इज नेसेंट क्लोरीन। ये जो हमारे पास नेसेंट क्लोरीन होती है ये क्या होती है? इज वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ही रिएक्टिव होती है, और ये सारा काम मिलाने मिलने का यही करती है, कौन करती है? नेसेंट क्लोरीन। ये क्या करती है, ये हमारे पास हो गया सपोज मेटल हमने लिया लेस्ट एक्टिव मेटल, कौन सा लिया यहाँ पर? AU गोल्ड, और यही क्लोरीन इसके साथ मिलेगी और हमारे पास क्या बना देगी? साल्ट, और ये साल्ट हमारे पास AuCl4 सॉल्यूशन के फॉर्म में ही होगा, और इसको हम Au3 पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास रिएक्शन प्लैटिनियम कॉपर सिल्वर सभी के साथ ऐसे ही होगी। दस देखा एक्वारीजा का क्या काम होता है, ये बात याद रखना कि हमारे पास जो एक्वारीजा है वो लेस इलेक्ट्रिक मेटल को डिसॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है या उनकी रिएक्शन करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। नो फोर्थ रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन के साथ, और जो साल्ट सॉल्यूशन के साथ मेटल की रिएक्शन होती है हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से निकाल देता है। ठीक है, यानी कि एक जो पावरफुल आदमी होता है वो लेस पावरफुल आदमी को निकाल देता है, कमज़ोर बंदे को निकाल देगा, मार देगा या कुछ भी कर देगा। तो एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है एंड ये जिंक है, प्लस हमारे पास कौन सा मेटल आया? जिंक। अब देखो हमने टेबल में देखा था कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर कॉपर, हमने देखा था कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? जिंक। मैं अभी दोबारा आपको बताती हूँ, ये हमारे पास जिंक और कॉपर कहाँ है? कॉपर तो ये नीचे है CU। ठीक है, देखो यहाँ से ऑर्डर तो डिक्रीज होता है, हो रहा है रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही, 10 जिंक हमारे पास मोर है रिएक्टिव है देन कॉपर से, तो ये क्या करता है? जिंक इस CU कॉपर अपने सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो ये ZN आता है और इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, रिमूव कर देगा, हटा देगा और क्या बना देगा? ZnSO4। ये था हमारे पास, अभी हमने देख ली रिएक्शन कि हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है प्लस मेटल कौन सा है? जिंक, जिंक हमारे पास मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, तो ये इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर को आइसोलेट इसने कर दिया, बाहर निकाल दिया, कॉपर इंडिपेंडेंट हो गया।
नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल लिखी गई है, अगेन कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया गया और प्लस आयरन। अब इन दोनों में से रिएक्टिव कौन है? इन दोनों में से रिएक्टिव कौन है? आयरन। और ये आप सोच रहे होंगे कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जो रिएक्टिविटी सीरीज का मैंने आपको टेबल बताया, ये आपको याद करना है, इसका आपको ध्यान रखना है, ये टिप्स पर होना चाहिए, तभी आप जो केमिकल रिएक्शन से वो कर पाओगे। अब आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ये हमारे पास बना देगा, डिस्प्लेस करके हमारे पास क्या बना देगा? फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, दैट इज Fe(SO4) प्लस कॉपर। नेक्स्ट जो रिएक्शन है मेटल की वो है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। अब जब हमारे पास मेटल हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? हाइड्राइड। क्या बनाते हैं? हाइड्राइड। होता क्या है, जो ज़्यादातर मेटल होते हैं, यानी कि जो सारे मेटल होते हैं, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होते। मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन, डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन। सिर्फ कुछ ही रिएक्टिव मेटल होते हैं, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल लाइक हो गए हमारे पास सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यही रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ और क्या बना देते हैं हमारे पास? मेटल हाइड्राइड। क्या बनाएंगे? मेटल हाइड्राइड। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम दिस मेटल प्लस हाइड्रोजन, तो ये हमने क्या बना दिया हमारे पास? सोडियम हाइड्राइड NaH। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल ये मैंने आपको बता दी और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज, अगर आपको पता चल जाए तो आप इजिली केमिकल रिएक्शंस कर सकते हो। और एक्वा रीजन क्या होता है ये भी याद रखना, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब करो इसको, थैंक यू।